आईनी चैनल का 12वां वर्धापन दिवस कार्यक्रम 30 जनवरी 2021 को कुरला नेहरू नगर में बाला साहेब ठाकरे सभागृह में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष लोकसाई चैनल के एंकर और सीनियर प्रोड्यूसर मनुश्री पाटिल रहे, तो वहीं प्रमुख अतिथि के रूप में कुरला के स्थानीय विधायक मंगेश कुड़ाकर और अन्य अतिथियों में एंटी करप्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी रहे। शिव केबल सेना के चर्चिस्ट राजू पाटिल, उद्योजक अब्दुल रहीम खान उपस्थित थे। तो वही कार्यक्रम की शुरुआत सभी मानवभावों के हाथों से दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर जनादेश के संपादक सुरेश पाटिल के हाथों सभी मेहमानों को सम्मानित भी किया गया। और कोई कर्तव्य नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया है। इसी तरह से पूरे
सभी चैनल अच्छा काम करते रहेंगे तो जरूर भ्रष्टाचार खत्म होगा, जनता का साथ मिलेगा। साथ साथ में मैं भारत सरकार को शुभेच्छा देता हूँ, कोरोना काल में उद्धव ठाकरे जी ने जो काम किया है, किस तरह से उद्धव ठाकरे जी को भगाने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने कैसे उनके साथ में अभिवाद प्रस्ताव लाया, किस तरह से कोशिश किया कि सरकार चली जाएगी कोरोना को भ्रष्टाचार दिखा करके, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने अच्छे काम किया। हमारे लाडले आमदार साहब डॉक्टर जी कुरला से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में वो काम कर रहे हैं, जनता का सहयोग कर रहे हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी शुभेच्छा है, शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। लेकिन ये जो चालन है मुझे दृष्टि से बहुत अभी तक पीछे है, वो आगे बढ़ना मांगता है। महाराष्ट्र की जनता मराठी चैनल देखता है और मराठी चैनल देखने से मराठी का ज्ञान होता है, मराठी भाषा का वृद्धि होता है, इसलिए मराठी चैनल ये आगे आगे बढ़ना मांगता है। जिससे इसके बहुत ज़्यादा प्रगति होने की जरूरत है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।